गाइस आपको पता है आजकल के समय में हमें सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वो है इनडाइजेशन की, अपचन की। हमें हमेशा खट्टी डकारे, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, ये सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी है। कॉन्स्टिपेशन, छाती में जलन, आपको पता है आजकल ये क्यों हो रहा है? स्पेशली लॉकडाउन टाइम में हम घर से बाहर जाते ही नहीं है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, घर पर हम लंबे घंटों तक कंप्यूटर और लैपटॉप के आगे काम करते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों का भी यही हाल है, उनकी ऑनलाइन क्लासेस उनका पीछा नहीं छोड़ती है ना। अब बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी है, इसके लिए हम डर के मारे उनको बाहर ना भेजकर घर पर ही इंडोर गेम्स में उसको हमने इन्वॉल्व कर दिया है। हम और बच्चे, हमारी फैमिली सब इस घर में कैद होकर रह गए हैं, आउटडोर एक्टिविटी नहीं हो रही, जिसकी वजह से कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती और हमें खाना पचता ही नहीं, हमारे शरीर में सड़ने लगता है। आपको पता है आयुर्वेद में क्या कहा गया है कि जो हमारा पेट होता है ना, वो सारी बीमारियों की जड़ है। अगर हम अपने पेट को सुधार लें, अपने डाइजेशन को सुधार लें, तो हमारे तक कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। सुधारेंगे कैसे? कुछ नियम को फॉलो करके। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो सोल्यूशन। दो सोल्यूशन को जानने से पहले हमें जानना है कि बीमारी हम तक पहुंची कैसे है ना, ताकि वो प्रॉब्लम हमें दोबारा फेस ना करनी पड़े। तो चलिए इसके लिए जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो इतना ही बेहतरीन लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, @ishamehra मेरा अकाउंट है, और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। टिप नंबर 1 ये है कि आयुर्वेद में कहा गया है कि हमें अपने खाने की जो बाइट होती है उसको 32 बार चबाना है। क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं करते, बल्कि आप लोग उसको 5 मिनट में निपटाकर अपने दूसरे काम में लग जाते हैं। जिस रोटी के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कमाते हैं, उसको खाने में सिर्फ 5 मिनट, क्यों ऐसा? और वो 5 मिनट आपके शरीर में दुनिया जहान की बीमारियों को इकट्ठा करता है। आपको पता है इनडाइजेशन से आपकी स्किन डल पड़ने लगती है, पिंपल्स, एक्ने आने लगते हैं, क्योंकि जो खाना आप खा रहे हैं फटाफट से, वो आपके शरीर में पच नहीं रहा, सड़ रहा है। तो सड़ा हुआ खाना क्या देगा? सिर्फ बीमारियां। बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं, फेस पर, बॉडी पर एजिंग आने लगती है, आप हमेशा सुस्त फील करते हैं, बॉडी में एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है, लिवर पे फैट आना शुरू हो जाता है, आप मोटापे के शिकार हो जाते हैं, आपका पेट, आपका पूरा शरीर बिल्कुल फूल सा जाता है, गंदा दिखता है ना, वो इन सब की वजह से। तो आज से ही हमने खाने को प्रॉपर टाइम देना है, अच्छे से एक गिराई को यानी एक बाइट को 32 बार चबा चबा कर खाना है। और खाने खाने के टाइम हमने टीवी, ये सब चीजें, जितने भी गैजेट्स हैं, इनको ऑफ करके रखना है, चाहे वो बच्चों का खाना हो या खुद का खाना, ठीक है? बातें करके बिल्कुल नहीं खाना। टिप नंबर 2 क्या है? सुबह उठते ही हम लोग चाय की गर्म प्याली लेते हैं। सर्दी हो या गर्मी, बोलते हैं हमारे दिन की शुरुआत नहीं होगी, सर में दर्द हो जाएगा, मैं काम कैसे करूं? ओ प्लीज बंद करो ये एक्सक्यूजेस, क्योंकि ये एक्सक्यूजेस देने की वजह से आपको एसिडिटी और ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इनडाइजेशन की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस आजकल के समय में लड़कियों को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है। PCOS, PCOD, ओवरी में सिस्ट, थायराइड, डायबिटीज, ये सारी प्रॉब्लम आजकल के समय में इतनी ज्यादा क्यों पैदा हुई है? सिर्फ इनडाइजेशन की वजह से, गलत खान पान के, गलत टाइमिंग की वजह से। तो आपको इन सबको सुधारना है। सुबह के समय आपने चाय की गर्म प्याली नहीं बल्कि 2 से 3 ग्लास गर्म पानी पीना है, जो आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को निकालेगा। जो आज तक आपने उल्टा सीधा खाया है उसको भी आपके बॉडी से पॉटी या यूरिन के थ्रू बाहर निकालेगा और आपकी बॉडी एकदम से साफ और स्वस्थ है ना। और टिप नंबर 3 ये है कि हमारी बॉडी हमें इंडिकेट करती है। क्या इंडिकेट करती है? कि आपको अभी भूख नहीं है, लेकिन फिर भी हम चलते हैं टक टक घड़ी के हिसाब से कि 2 बज गए खाना खा लो, 4 बज गए खाना खा लो, 8 बज गए फिर खाना खा लो। अरे भैया, पहले वाला पचा नहीं कि दूसरा डाल दिया, तो वो खाना सड़ेगा ही तो सही। सड़ेगा तो आपको खट्टी डकारे, हमेशा गैस बनना, एसिडिटी होना, छाती में जलन, ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप सबर करिए। जब आपकी बॉडी इंडिकेट करती है ना कि बहुत जोर से भूख लगी, आप बर्दाश्त के बाहर हो चुका है, मतलब दैट्स अ मेन टाइम कि आपको खाना चाहिए, आपकी बॉडी को खाना चाहिए। तो उस टाइम आपका पहले वाला पच चुका है और दूसरे का टाइमिंग आ चुका है। तो अगली बार अपनी बॉडी को टाइमिंग के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि इंडिकेट के अकॉर्डिंग चलाना शुरू करें, ठीक है? बारी आती है सॉल्यूशन नंबर 1 की। आपको इसके लिए सबसे पहले क्या करना है? 1 चम्मच अजवाइन लेना है और दूसरा इंग्रेडिएंट लेना है यहाँ पर हमें 1 इंच अदरक। इसको 2 ग्लास पानी में आप एक बर्तन में डालकर अच्छे से बॉईल कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से बॉईल हो चुका है और थोड़ा पानी कड़ करके सूख भी चुका है, यानी जब हमने इसको उबाला तो थोड़ा सा कम हो चुका है।
उसके बाद अब इसको छन्नी की मदद से छानकर मैं कांच के ग्लास में ट्रांसफर कर लूंगी। और यहाँ पर आपका रेडी है आपके डाइजेशन बूस्टर। ये आपके डाइजेशन को बहुत अच्छे से बूस्ट करेगा, साथ में आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा। इतना ही नहीं, अगर आपको पुराने से पुराना गठिया भी है तो वो भी इसे दूर हो जाएगा, क्योंकि अजवाइन क्या करती है, अदरक क्या करती है, आपके शरीर में वात के प्रभाव को खत्म करती है। तो अगर आपको वात बहुत ज्यादा होता है तो उससे क्या होता है, आपके हड्डियों में, जोड़ों में, मांसपेशियों में सूजन आने लगती है और दर्द बहुत ज्यादा होता है जो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, आपके बेली एरिया को कम करेगा, आपके इनडाइजेशन को डाइजेस्ट करेगा, कॉन्स्टिपेशन की, खट्टी डिकारों की सारी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देगा। अब जान लेते हैं इस मैजिकल वाटर को आपको पीना कब है। आपको खाना खाने के 1 घंटे बाद रात के और सोने से 1 घंटा पहले आपको उसको पीकर सो जाना है। बात कर लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 की, जो आपको खाना खाने के इमीडिएटली बाद 2 योगासन करने हैं। कौन से योगासन है चलिए देख लेते हैं। कम से कम 1 मिनट से लेकर 15 मिनट तक ग्रेजुअली आपको इंक्रीज करना है, वज्रासन में आ जाना है, ठीक है। इसके लिए आप इस तरीके से अपने पैरों के अंगूठों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अपनी कमर को सीधा करिए, अपने हाथों को अपने यहाँ पर प्लेस करें घुटने पर, और ऐसे आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाएं। स्टार्टिंग में आपकी थाई सोने लगेंगी, आपको काफी झनझनाहट होगी, पेन होगा, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी हैबिट बनाएंगे तो ईजिली आप 15 से लेकर आधा घंटा इस पोजिशन में बैठ पाएंगे। और जैसे जैसे ज्यादा टाइमिंग बढ़ाएंगे उतना ही आपके डाइजेशन को एकदम से बूस्टअप करेगी, ठीक है। अपने बच्चों को भी ये आसन कराएं, खुद भी ये आसन करें। अब बढ़ते हैं दूसरे योगासन की तरफ। दूसरा योगासन है पवन मुक्त आसन। इसके लिए आपको क्या करना है, डेली फॉलो करना है इसको। सबसे अच्छी बात क्या है इसकी, डेली फॉलो करिए, जब भी आपको टाइम मिलता है तीनों टाइम करें। खाना खाने के जब भी आपने खाना खाया तभी इस आसन को फॉलो करें। इसके लिए आप ऐसे मैट पर या कोई भी जमीन पर, बेड पर भी कर सकते हैं, आप लेट जाइए। आपने अपने दोनों नीज, ठीक है, अपने नाक तक लेकर जाने हैं, जितना मैक्सिमम आप लेके जा सके, और अपने हेड को ऐसे आगे एज ए पोजिशन आपने कम से कम ना 10 सेकेंड्स के लिए, और ग्रेजुअली आपको होल्डिंग टाइम इंक्रीज करना है। ऐसे टाइम पे आपको बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथ लेना है, कोई सांस रोकना नहीं, सांस छोड़ना नहीं, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथिंग हम लेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे आप इसको डे बाय डे इंक्रीज करेंगे ना, आपको बिल्कुल पेट से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, कॉन्स्टिपेशन की, अपचन की, खट्टी डिकारों की, सब प्रॉब्लम। देन आप रिलैक्स हो जाइए।